कंटेंट मेकिंग से पैसा कैसे जनरेट होता है, किस किस तरीके से? एक तो यूट्यूब एडसेंस हो गया, और बताओ क्या करते हो? ठीक है, ऑलराइट। देखिए फर्स्ट जो लोग पहले मोनेटाइज करना चाहते हैं उनके लिए तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इससे दूर रहें अभी। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूँ। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में हमने लिंक दिया है जहाँ से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ वीडियो देखो। तो हम आ गए हैं किसके पास? प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के पास। इनका यूट्यूब चैनल है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के नाम से। ये खुद प्रभात सर है, प्रभात कुमार जी। इनके करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये क्या करते हैं? ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। इनसे बहुत सारा फाइनेंशियल ज्ञान हम वैसे ही ले लेंगे ऑफ कैमरा, लेकिन आपको बताएंगे कॉन्टेंट क्रिएटर से रिलेटेड, कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड सभी बातें। ठीक है, तो सर सबसे पहले ये बता दो कि आप मतलब ट्रेडिंग पे अगर कॉन्टेंट बनाते हो तो आपने ट्रेडिंग शुरू की होगी, तो ट्रेडिंग कब, कैसे, क्यों शुरू करें? ठीक है, एक्चुअली क्या था कि मेरे फादर ट्रेडिंग में थे, स्टॉक मार्केट करीबन 2008 से करते थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब बात होता है ना कि जब घर में कुछ मान लो गाड़ी आती है तो अब सब बंदे देखो ट्राई तो करते ही हैं सीखने का, तो बहुत इंटरेस्टेड था मेरे को भी। ठीक है, तो मैंने करीबन मैं बस मतलब सुनता था पहले। मेरे चाचा और पापा मतलब ट्रेडिंग करते थे, और भी स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हुआ जब मैं आई थिंक 17-18 साल का हुआ, तो फिर वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बिकॉज आई वाज डूइंग आई गेस आई थिंक 12th कर रहा था उस टाइम पे मैं। अच्छा, 11th 12th मेरे ख्याल से। तो एक्चुअली अब थोड़ा सा फैसिनेटिंग सा लगा कि भाई अब पैसे बन रहे हैं, पापा से ऐसा बात किया करते थे घर में। ठीक है, तो फिर मैंने पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि चूँकि अब आदमी बात कर रहा है तो थोड़ा सा होता ही है ना कि बच्चों का कि यार क्या है क्या नहीं है। पेपर ट्रेडिंग मतलब जो पेपर ट्रेडिंग इन सेंस की कॉपी ले लिया अपना, उस पर लिख रहे हैं कि भैया मैंने जैसे इतने पे शेयर लिया, इतना गया, बेच के निकल गया। मतलब फिक्शनल तरीके से आपने हाँ जी हाँ जी पैसे अपने काउंट कर रखे और रियल रेट्स पे आप देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहीं से कोर्सेज वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि एक तो मेरे फादर दे टॉट मी अलॉट, काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने, बाकी खुद से गलती करके भी मैंने स्टॉक मार्केट से अपना जो भी मैंने लॉस किया था वो रिकवर कर लिया। ये आपका चल रहा है 6-7 साल आपने ट्रेडिंग करी। कंटेंट बनाने का कब सोचा कि यार अब मैं इसको, मेरा पास क्या, मेरे पास इनफ नॉलेज हो गई तो मुझे बनाना शुरू कर देना चाहिए, या मैं जब साथ साथ सीख रहा हूँ ये मुझे बता देना ठीक है, बताना शुरू कर देना चाहिए? ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि थोड़ा सा ना मतलब स्टार्टिंग थोड़ा मैं डिफरेंट था। तो क्या था कि अब उस टाइम पे आते ही मैंने कुछ वीडियोस मतलब YouTube चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया था, और आप मानेंगे शुरुआत में ही ठीक है। और YouTube मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मैं ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा मैंने फन ऑफ एज इन फन के वे में मैंने स्टार्ट अपना कर दिया था। हाँ, और यू वॉन्ट बिलीव इट, मैंने पैनासोनिक का एक मेरा मोबाइल था, मैंने स्टार्टेड ऑन दैट एज वेल। हाँ, फेसलेस नए, अब मान लो अब आप कोई व्यक्ति नए हैं, अब आप ऐसे फेस शो नहीं कर सकता ना, थोड़ा सा शाइनेस भी होता है कैमरे के साथ। तो उस टाइम पे माइक वगैरह भी नहीं था, तो अपना कैमरे के माइक से सॉरी मोबाइल फ़ोन के माइक से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, हाँ, जैसे नॉर्मली अपना मान लो फ़ोन है, मैंने बस भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और मैंने स्टार्ट कर दिया कि ये आज मार्केट ने ये किया, कल मार्केट यहाँ जा सकता है एंड ऑल। अब चूंकि मेरे को एक जैसे नीच मिल गया था कि भाई कल का बाजार के अगर आप रिगार्डिंग डालते हो वीडियोस तो व्यूज आएंगे, तो मैंने फिर डालना शुरू कर दिया। हिंदी सब मेरे टाइटल हुआ करते थे, ठीक है, और नीचे भाई बैंक निफ्टी ये करेगा, ब्लास्ट करेगा एंड ऑल। ये सीरीज अभी तक आती है वैसे? हाँ, अभी तक रोज अगर आप जाओगे प्रभात ट्रेडिंग सर्विस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, रोज सर कल के बाजार का यानी कि आज मतलब आज तो नहीं कल बनाएंगे वीडियो कि मंडे को क्या होने वाला है, तो हर रोज आती है वीडियो, आप देख सकते हो जाके, है ना? हाँ। तो अब आप ये बताओ कि अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको पूरा ज्ञान लेके शुरू करना चाहिए कि मैं जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरू करूं,
तभी बनता है शुरू करना, जब मेरे पास परफेक्ट सेटअप हो जाए तो शुरू करो। नॉलेज और इक्विपमेंट, ये दोनों के बारे में बताओ कि किस स्टेज पे शुरू कर सकते हैं। सी कहते हैं ना कि द बेस्ट टाइम टू डू थिंग्स इज नाउ। अरे वाह, तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था कि भाई मेरे पास जब सब कुछ पूर्ण था, जब ज्ञान हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। आई नेवर डू डिड दैट। जेफ बेजोस का एक, आपने सुना होगा, एक एक बोलते हैं कि जोश अगर, टॉक नहीं, जेफ बेजोस, का, जेफ बेजोस, हाँ, अच्छा तो आई एडमायर हिम अलॉट। आपके पास अच्छा 70% इन्फॉर्मेशन है, राइट? आप स्टार्ट कर दो किसी काम को। अगर आप जैसे मान लो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी जो देख रहे हैं वीडियो को, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, तो भाई ये मत सोचो कि यार 100% हो जाएगा तभी स्टार्ट करूंगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे, पहली बात। क्योंकि 100% अच्छा कभी कर ही नहीं पाओगे आप। हाँ, सौ मतलब परसेंट कभी कि वो आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे जब पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा तब आई स्टार्ट इट, नहीं हो पाएगा। आपके पास 60% आप प्रिपेयर हो, स्टार्ट कर दो, ठीक है ठीक है? बाकी भाई धीरे धीरे करोगे तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, बाकी जो फोर्टी सही परसेंट है वो आपके पास करते करते आ जाएगा, ठीक है। ठीक है? ये चीज़ें हैं। नहीं, हम ये भी जानना चाहते हैं आपका सेटअप कैसा था, आप हाँ किस तरीके के कंटेंट डालते हो। जैसे हमने बात करी कि आप एक कल का बाजार की डालते हो, अभी हाँ भी बताओ इक्विपमेंट के बारे में बताओ। ठीक है ठीक। तो नॉर्मली क्या है कि देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, आपको मैंने बताया, एक तो मैंने बोया माइक खरीदा था यूट्यूब के इनकम से, कैमरा था नहीं तो मैं अपने फ़ोन से शूट करता था। अच्छा अब मैंने करीबन 1 महीना डाला वीडियो, लोगों का थोड़ा रिक्वेस्ट आ रहा कि सर आई वॉन्ट टू सी योर फेस, ओ जो कि अच्छा अब आदमी कोई सुन रहा है वॉइस को हाँ, तो तो जानना चाह रहा चाहते है ना कि भैया इस सही वॉइस के पीछे कौन है, राइट? तो फिर अब चूंकि थोड़ा सा मेरे को ना वैसा था कि अरे यार दिखाऊं नहीं दिखाऊं, तो फिर फाइनली उस टाइम पे उतने, अब मतलब वी वर नॉट इन टू दैट फेज ऑफ टाइम की हम जैसे एक DSLR अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, तो व्हाट वी हैव डन ना, कि मैंने कैनन का पावर शॉट एक कैमरा आता है, जो डिजिटल कैमरा वाले हाँ, होते हैं। जो डिजिटल जूम करता है, बहुत हाँ 100x जूम, अभी भी अच्छा स्टिल है मेरे पास। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो बट आई थॉट कि ये ना DSLR होगा, उसको मैंने अच्छा परचेज शायद सही किया। बोलते होंगे डीएसएलआर। हाँ ठीक है, तो मैंने उसको परचेज किया। उसके बाद मेरे को लगा कि यार इसमें तो माइक ही नहीं प्लग कर सकते, माइक प्लग करने का ऑप्शन ही नहीं था जो तो हमारे बजट में आता है वही होता है डीएसएलआर, समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आपको फिर वो माइक नहीं लग सकता तो क्या। हाँ हाँ बताओ तो किस तरीके से फिर हम आपने। ना ऑडियो में अलग शूट करता था, वीडियो अलग शूट करता था, ओ देन अच्छा दोनों को सिंक करके, सिंक्रोनाइज करके फिर हम फेस कैम शूट कर, मतलब स्टार्ट किया मैंने। अच्छा फिर मैंने ब्लू एटी का माइक भी परचेस किया था, अच्छा ब्लू एटी का हाँ जो जो अब, कंडेंसर माइक हाँ होता है। कंडेंसर, तो वो मैंने परचेस किया था, और उससे काफ़ी मतलब ऑडियो में इम्प्रूवमेंट आया। इम्प्रूवमेंट आ गया, हाँ बट अभी मैं फिर से बोया पे शिफ्ट हो चुका हूँ, बिकॉज ब्लू एटी क्यों? काफ़ी कन्वीनियंट नहीं है थोड़ा सा। हाँ, कुछ कोई लैपटॉप भी आपको रिकॉर्डिंग कर चाहिए, लेगा। लैपटॉप चाहिए उसको ऑन करने के लिए। बोया में क्या है कि सिंपल आपने प्लग इन किया हाँ, DSLR में मोबाइल एंड यू आर रेडी टू गो विद। कैमरा के साथ लगाया और शुरू हाँ हो जी, गया। बोया मतलब आप कह रहे हो कि वो वायर वाला जो वायर कैमरा आता वाला, है जो यहाँ पे बिल्कुल लग हाँ जाता है, जी, काफ़ी कन्वीनियंट है वो, इसलिए कन्वीनियंट मैंने है। आप उसको किया था। कन्वीनियंस पे हाँ ज़्यादा क्योंकि देखिए, चलते अब नॉर्मली क्या है कि जो कल का बाजार जो सेगमेंट था ना, इसमें आपके पास है, अभी भी ज़्यादा है, अभी टाइम, भी रोज वीडियो हाँ आती अभी भी रोज़ है वीडियो आती है, तो इसमें जब ज़्यादा टाइम है नहीं, मार्केट ख़त्म हुआ 3:30, आधे घंटे में प्रिपरेशन करना है, हाँ 4:30 तक वीडियो रेडी करनी है। अब वाह ऐसा नहीं ना कि अब मान लो, अब क्योंकि इसके पास जो आप कह लीजिए टाइम स्पैन है जो वीडियो के चलने का, कम है, इसलिए थोड़ा मैंने कन्वीनियंस पे गया कि नहीं ठीक है, जो भाई अच्छा चीज़ मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें प्रोसेस एग्जीक्यूशन करके या हाँ। एग्जीक्यूट करके देती है, वो उस पर थोड़ा फोकस करूँगा। और फिर इसमें बताओ ये आप जो जिस तरह की वीडियो डालते हो, तो एक तो हो गई कल का बाजार बिल्कुल। है ना जो आप रोज डाल देते हो और जल्दी से एग्जीक्यूट करनी है तो इक्विपमेंट भी आप ऐसे ही हो। और किस तरह की वीडियोस एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप पोस्ट करते हो? ठीक है, देखिए जो हमारा प्रभात ट्रेडिंग का चैनल है, प्रभात ट्रेडिंग सर्विस का, इसमें नॉर्मली हमने ना नीश रख दिया है कल का बाजार, और एक अभी तो नहीं आ रहा है नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग की हम वीडियो डालते हैं, अच्छा जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स जो मेरे को लग रहा है कि भाई ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है तो मैंने अब भाई कर दिया कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टॉक, तो उसको आप लोग देख सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके। ठीक है दो हमने इसमें रखा है, अभी जस्ट हमने आई थिंक 2-3 महीने पहले वी हैव स्टार्टेड अनदर चैनल एज वेल, अच्छा इसका नाम है लर्न विद PTS। अच्छा हाँ जिसमें आप सिखाते हो।
हाँ, इसमें हम ओनली एंड ओनली लर्निंग वीडियोस, बैंक निफ्टी साइकोलॉजी वीडियोस, स्ट्रैटेजीज वीडियोस डालते हैं केवल। तो हमने दो अपना चैनल क्रिएट किया है, जस्ट कि थोड़ा सा ना ऑडियंस सेपरेट रहे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे सब्सक्राइबर बेस पे आ चुके हो, और तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको फिर अपनी ऑडियंस को पता करना पड़ेगा, मेरी ऑडियंस किस में मतलब ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी जो कल का बाजार वाला जो हमारा क्या कहते हैं इसको जो एपिसोड है, अब ये जाने से ना अब मैं बीच में कुछ वीडियो और डाल नहीं सकता, क्योंकि फिर YouTube का एल्गो ना ख़राब कर देता है, व्यूज़ वगैरह थोड़ा डाउन कर देता है। तो जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो अगर आपके चैनल पे एक जैस मतलब अगर एक प्रकार ऑफ सिमिलर वीडियो जा रही है तो उसको आप कंटिन्यू रखें, ठीक है, मतलब मैं अपनी फील्ड की जैसे बात कर रहा हूँ, हाँ, अगर चल रही है, अगर लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि मेरा क्या है जैसे अभी क्या है नॉर्मली मैं अपनी अपनी तो बात कर रहा हूँ, बाकी सारे जितने स्टॉक मार्केट के क्रिएटर हैं वो भी सेम ऐसे ही करते हैं, उनके दो दो चैनल है। क्यों, अगर 5 दिन मार्केट खुलता है, अब आप कल के बाजार की जगह कोई और वीडियो नहीं डाल सकते, क्यों, अगर आपने डाला तो कल का बाजार वाला आपका वीडियो डाउन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फॉर दैट हमने अच्छा, नया स्टार्ट एक किया। वीडियो अगर एक ही दिन में दो वीडियो डालेंगे तो उनमें से एक पे किसी पे इफेक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ता है ये चीजें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गो जो है उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अच्छा, अगर आप नॉर्मली 2-3 आप कह लीजिए 5 महीने से अगर आप सिमिलर वीडियो डाल रहे हैं सिमिलर टाइम पे, तो एल्गो आपका यूट्यूब का समझ चुका है भैया ये बंदा इस टाइम पे ये वीडियो डालता है रेगुलर, और ऑडियंस उसकी है। हाँ, तो उस हिसाब से पुश करता है। बट आप रैंडमली कुछ स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज़ें, अब नॉर्मली 2 दिन के बाद आपने नई वीडियो डाल दी तो आपकी डेफिनेटली आपके व्यूज पे प्रभाव पड़ेगा। कॉन्टेंट मेकिंग से पैसा कैसे जनरेट होता है, किस किस तरीके से? एक तो यूट्यूब एडसेंस हो गया, और बताओ क्या करते हो? ठीक है, ऑलराइट, देखिए फर्स्ट जो लोग पहले मोनेटाइज करना चाहते हैं उनके लिए तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इससे दूर रहें अभी। फर्स्ट आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड करें, राइट, दूसरा कि आप कुछ बेस्ट करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरी कुछ अर्निंग नहीं थी, ठीक है, बिकॉज व्यू, हाँ भाई व्यूज आपके 20-30 आते थे, 100 व्यूज आते थे, तो वहाँ पे यूट्यूब आपका कुछ नहीं कर सकता ना। सही बात है। अच्छा, तो अगर आपके पास कुछ यूनिक टैलेंट है, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हो, ठीक है, जिससे आप कुछ टेक के बारे में आपको आपको जानकारी है, राइट, या एडुकेटर हो आप, लच्चे किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी विषय के बारे में अगर आपको जानकारी है, आप स्टार्ट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे 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 ऑडियंस बिल्ड होगी। अच्छा, अब नाउ अब वहाँ पे आपके पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम तो आपका फॉर श्योर एडसेंस है, जो यूट्यूब का आता है। दूसरा कई लोग करते हैं स्पॉन्सरशिप, हाँ जी, किसी कंपनी ने कहा कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, बिल्कुल, तो लेट्स जस्ट से एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने बोला कि भाई ठीक है ये प्रोडक्ट है या एक सर्विस है आपको प्रमोट करना है अपने चैनल पर, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट आपको देते हैं, एक तो दूसरा आपका वहाँ से अर्निंग हो गया। तीसरा ये है कि अब सॉर्ट ऑफ स्किल तो है ही आपके पास, यूट्यूब पे तो देखो दे ही रहे हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा आप उसको पेड भी कर सकते हो, पेड जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कुछ जैसे कोर्सेज आपने लॉन्च कर दिए, तो कोर्स हाँ कोर्स इज अ मतलब बेस्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए अब जो व्यक्ति लिटरली फोकस्ड है जो सीखना चाहता है उसको आप एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट वो पे करेगा, और आप उसको वो पर्टिकुलर सर्विस दोगे। तो आपके कितने कोर्सेज हैं? तो देखिए अभी नॉर्मली वी हैव मोर देन 9 to 10 कोर्सेज, ठीक है, और एवरेज प्राइस हमारा मिनिमम जो प्राइस है वो 800 to 1300 के बीच में है। ठीक है, हाँ जी, बहुत सही, कन्वीनियंट है, तो मतलब हाँ, और इस ये हमने प्राइस ऐसा हमने इसलिए रखा ताकि सब व्यक्ति अफोर्ड कर पाएँ। अब हाँ, इसमें हमारे जैसे कुछ कुछ जो हाई प्राइस वाले कोर्सेज भी हैं उसमें हम लोगों को जैसे ज़्यादा आप कह लीजिए
वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अच्छा। लाइफ लॉन्ग जैसे कि हाँ जी वो लंबे टाइम तक चलते हैं अच्छा। तो मतलब किसी को फुल फ्लेज ट्रेडिंग सीखनी हो तो वो बड़े कोर्सेज उसके हिसाब बिल्कुल बिल्कुल शुरू से लेकर हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपको सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी सीखनी है तो उसके लिए अलग प्राइस है, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आप वो स्ट्रेटजी परचेज करके यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। हाँ जी ठीक। तो अब आप एक बात बताओ, तीन चीजें बताइए आपने, एक एडसेंस, एक स्पॉन्सरशिप और एक आप कोर्सेज। आपके अपने कोर्सेज के बारे में बता दो, कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, सी पीटीएस ऐप है हमारा, आप अगर आप सर्च करेंगे गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। वी हैव मोर देन 67,000 डाउनलोड्स। अरे वाह। अभी प्रोबेबली आई थिंक एक मंथ के आसपास 1 लाख हो जाएंगे। अरे भाई साहब। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, अपने ऐप का कुछ फायदा है कि? हाँ देखिए, अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपके पास एक अपना पर्सनल ऐप होता है तो आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, मतलब आप जो आप चाहें, जैसे कि जिस टाइप का मेरा कोर्स होना चाहिए आप कोर्स के कवर को चेंज कर सकते हैं, राइट, अपने कोर्सेज को और अट्रैक्टिव, जो आप कह लीजिए जो पैकेजिंग है अपने कोर्स का, तो वो आप पे ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। हाँ बिल्कुल, कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस साथ आपको? देखिए अगर हम रेवेन्यू की स्पेसिफिक बात करें तो ऐसा सच कुछ फिक्स नहीं है, जो हमारे कह लीजिए लेट्स से एक हमारा कोर्स है बैंक निफ्टी 5 मिनट ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, 5 महीने का कोर्स है? नहीं नहीं 5 मिनट, ये अच्छा, ये इसमें हम एक जैसे एक स्ट्रैटेजी देते हैं हाँ। जो कि 10 बजे से पहले बैंक निफ्टी में काम करती है। ओ, अच्छा। हाँ तो ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी है। अच्छा। अभी क्या है, हमने बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है, ये अभी तक हमारा टिल नाउ हाईएस्ट सेलिंग कोर्स हमारा है। सेलिंग कोर्स का मतलब कि 67 में से, मतलब वैसे बता दो। हाँ नॉर्मली जैसे अभी तक हमने इसमें 1200 के आसपास हमने लोग परचेस कर चुके हैं। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग बता दो। इसका प्राइस 4500 है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रेवेन्यू किससे ज़्यादा आता है, आप कह रहे हो ये चेंज होता रहता है। हाँ जी ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेट्स से आप महीने के आखिर में सबसे ज़्यादा रेलेवेंस किसको देते हो कि यार मुझे कोर्स पे ज़्यादा टाइम बिताना है, या फिर मुझे यूट्यूब एडसेंस पे ज़्यादा सोचना है इसके बारे में, या फिर स्पॉन्सरशिप के बारे में ज़्यादा सोचना है, तो किस पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो? मतलब कि किस पे लगता है कि किस ज़्यादा उम्मीद है आपको यार इससे तो अच्छे पैसे आने चाहिए या फिर अच्छे आते होंगे, वो कौन सी चीज़ें इन तीनों में से? देखिए अभी तो जो हमारा जिससे थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो ऑफ कोर्स हमारा कोर्सेज है, मैं तो वैसे नहीं करता हूँ नॉर्मली स्पॉन्सरशिप। अच्छा चलो स्पॉन्सरशिप को हटा देते हैं। अभी ये बताओ कि जैसे यूट्यूब एडसेंस है तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको यूट्यूब एडसेंस से इतना पैसा आने लग जाए कि कोर्स पे काम ना ही करना पड़े? अच्छा देखिए ऐसा मैंने कभी सोचा तो नहीं है, बिकॉज YouTube का कैसा है ना, मतलब हो सकता है this is a far-sighted thing कि यार ये तो बहुत ही मतलब अजीब बात, मतलब बहुत ही शायद बेवकूफ बात कह रहा हूँ, but क्या ऐसा है possible? क्या मतलब मैं I want to know the degree of difference between the two कि courses और YouTube AdSense में कितना फर्क है, कि YouTube AdSense तो यार बहुत ही पीछे है, या फिर बहुत थोड़ा सा भी और मेहनत करेंगे तो कोर्स तो करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा नहीं देखिए YouTube तो बहुत पीछे है, बिकॉज रीजन बता दूँ, पीछे होने का कारण ये है कि व्यूज़ पे डिपेंड्स होते हैं आपके अर्निंग, राइट हाँ। अब ऐसा नहीं ना कि अब मान लीजिए अब हर महीने आपकी हर एक वीडियोज़ पे 50,000 प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, कभी कभार 40 भी आ सकते हैं, 40,000 कभी कभार 35,000, तो इसीलिए ये तो बहुत ज़्यादा है 40,000 हाँ ठीक है। तो अभी तो जो नॉर्मली हमारे डेली जो व्यूज़ आते हैं 50,000 प्लस हैं रोज़ की, हाँ जी रोज़ की वीडियोज़ पे ठीक है, और जो सब्सक्राइबर जो बढ़ते हैं नॉर्मली मंडे को थोड़ा सैटरडे वाली जो वीडियो होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं। रीज़न बता दूँ, टाइम ज़्यादा होता है लोगों के पास, सैटरडे को वीडियो डाली सैटरडे भी देखेंगे, संडे भी देखेंगे, मंडे भी देखेंगे सुबह तक, हाँ जी ये चीज़ें हैं। बढ़िया, बस आप बता दो कि हमारे साथ बात करके कैसा लगा और वो बता दो, और अगर अच्छा लगा तो बोल दो कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके पर्सनली मेरे को बहुत मज़ा आया बात करके सुमित जी से, और अगर आपको भी मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक करते हो तो ऑफ कोर्स वी गेट मोटिवेशन कि हम आपके लिए इस प्रकार की और वीडियोस लाएं, और सब्सक्राइब भी करिए इफ यू आर न्यू। ठीक है, थैंक यू।